वो सारे लोग जो बेली फैट से परेशान हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, साथ ही शरीर में मजबूती चाहते हैं, आज की वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में बताए जाने वाले के अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपका बेली फैट भी कम होगा, शरीर में ताकत भी आएगी और साथ ही वेट लॉस करने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप सारी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें, समझ सकें। क्योंकि हर एक पोस्चर को मैं अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके भी बताती हूँ ताकि सभी इसका अभ्यास कर सकें। अगर आप चैनल में नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो करना क्या है, दोनों पैरों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ जाना है। अब अपने दोनों पैर की एड़ियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बना लेना है और इमेजिन करना है कि आप कोई नाव में बैठे हैं और आपके दोनों हाथों में पैडल है, चप्पू है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा। सांस लीजिएगा, पीछे की तरफ अपनी बॉडी को खींचिएगा और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से आगे लेके जाइएगा ऐसे, और सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। इसका अभ्यास 25 से 30 बार लगातार इसी तरीके से, इसका अभ्यास आपको 25 से 30 बार इसी तरीके से लगातार करते रहना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। तो इसका अभ्यास मात्र से आप महसूस करेंगे पेट के आसपास बहुत ही गहरा दबाव पड़ रहा है और लोअर बैक पर खिंचाव आ रहा है, और ये एक डायनामिक प्रैक्टिस है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ध्यान रखेंगे माताओं बहनों को जब पीरियड्स हो तब इस अभ्यास को ना करें। अगर आपको कोई सर्जरी हो हुई हो, रिसेंट ऑपरेशन हुआ है तो भी इसका अभ्यास नहीं करना है, खाली पेट इसका अभ्यास करना है। सुबह सुबह कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना शाम में करें। इसका अभ्यास करने के बाद दोनों पैरों को अलग कर लें और रेस्ट करें। फिर जब कुछ देर रेस्ट कर लें तो चाहें तो 2 से 3 बार फिर से 2 सेट और इसका अभ्यास कर लें। अब इसके बाद आराम से अपनी योगा मैट पर आप पीठ के बल ऐसे लेट जाएंगे और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे, दोनों पैर की एड़ियों को ऐसे जोड़ लेंगे। अभी हम उत्तान पादासन का अभ्यास सिंगल लेग रेसेस कर रहे हैं ताकि जो लोग दोनों पैरों को ना उठा सके वो एक एक पैर को ऐसे उठाएं। 60 डिग्री पैर को उठाना है, सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है, सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है। अपने ध्यान को अपनी नाभि के आसपास, अपनी लोअर एब्डोमेन पर रखिएगा यहाँ पे। चले शुरू करें, 10 ऐसे, 9 8, बहुत मजा आएगा आपको जब ये अभ्यास करेंगे आप, 7 पूरे पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी, 6 ऐसे, बहुत धीरे धीरे आराम से, ऐसे फास्ट फास्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आराम से उठाएंगे और फिर ड्रॉप करेंगे ऐसे, लास्ट 5 ऐसे, 4, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, एक बार और सांस ले और सांस को छोड़ दें। इस तरीके से अभ्यास कर लिया, अब दोनों पैर की एड़ियों और अंगूठों को जोड़े, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और फिर उसके बाद ऐसे सांस लें, पैरों को 60 डिग्री उठाया और सांस को छोड़ दें ऐसे 10 टाइम्स करें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, कंट्रोल के साथ सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें ऐसे, इनहेल एन एक्सेल, लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। चाहे तो इस तरीके से 60 डिग्री कुछ देर होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5 और फिर ड्रॉप कर दें।
तो इस अभ्यास के भी आपको 3 सेट करने हैं। अभी जैसे 10-10 का डेमोन्स्ट्रेशन दिखलाया, आप 20-20 रिपीटेशन करें और इसके 3 सेट कर लें और ध्यान को पेट पर रखें। अब अभ्यास कर रहे हैं उत्तान पृष्ठासन का। इसका अभ्यास करने के लिए आपको ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है, फिर उसके बाद अपने एल्बो को इस तरीके से मेजर करना है। एल्बो को मेजर करने के बाद एल्बो को दूर रखेंगे, ठीक है। फिर हिप को उठाने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ अपने घुटनों को इस तरीके से सरकाएंगे, ऐसे उठाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप करेंगे। ऐसे उठाएंगे हिप को और फिर इस तरीके ऐसे ड्रॉप करेंगे, इस तरीके से ऐसे 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, इस तरीके से सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके आप ये अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद वहीं पर मकर आसन में लेट जाएंगे ऐसे। तो अभी जो हमने अभ्यास किया उत्तान पृष्ठासन का, इसका हमने 10-10 का 3 सेट कर लेना है। सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें। चले अब मैं अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ूंगी जिसका नाम है डॉल्फिन पुशअप। ये पुशअप करने से आपकी छाती वेंटिलेट होती है, बाजू मजबूत होते हैं, साथ ही पेट की चर्बी कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो देखिए कैसे करेंगे डॉल्फिन पुशअप। पहले इजी वाला कर लेते हैं, ठीक है। आराम से इस तरीके से वज्रासन में बैठ गए, एल्बो को मेजर कर लिया, एल्बो को अपनी बॉडी से दूर रखा, दोनों हाथों को खोला, उंगलियों को फंसा लिया और फिर उसके बाद अपने घुटनों के बीच में कमर जितना फासला करके मूव फॉरवर्ड मूव बैक। ये भी उसी तरीके से अभ्यास है उत्तान पृष्ठासन का, लेकिन इसमें कमर को स्टेबल रख के बल पेट के बल की मदद से आप आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। इस तरीके से 5, 4 सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें सांस छोड़ें, इनहेल एक्सहेल इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस तरीके से 10-10 रिपीटेशन के 3 सेट कर लें और अब हम थोड़ा सा इसमें और चैलेंज ऐड करेंगे। तो आराम से फिर से एल्बो को मेजर कर लिया, एल्बो को दूर रखा, हाथों को इंटरलॉक कर लिया, टो को टक कर लिया, हिप को अप कर लिया, इस तरीके से अब मूव करेंगे। मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैक, मूव फॉरवर्ड, पेट को टाइट करके रखना है, सांस छोड़े सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, सांस ले सांस छोड़े, 3, 2 एंड 1 और फिर उसके बाद आराम से रेस्ट करेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रैक्टिसेस सीखे। आई एम श्योर कि ये सारी प्रैक्टिसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप निरंतर इन प्रैक्टिसेस को खुद भी करेंगे और इस वीडियो को व्हाट्सएप करने के बाद आपके दोस्त भी ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। साथ ही अगर वीडियो को आप अभी अंत तक देख रहे हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए और जाने से पहले इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।